दोस्तों इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी में मौजूद हूँ। अगर आप भी इस बार डलहौजी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको घर बैठे डलहौजी तो घुमाऊंगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए, यहाँ के होटल का किराया, बस, टैक्सी, लोकल घूमने में कितना खर्चा हो सकता है, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर करिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं डलहौजी। दिल्ली से डलहौजी की दूरी की बात करें तो 619 किलोमीटर है, मैक्लोडगंज से 123 किलोमीटर, मनाली से 327, वहीं शिमला से 323 किलोमीटर की दूरी पर है और पठानकोट से 81 किलोमीटर की दूरी पर है डलहौजी। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो डलहौजी का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट है, वहां से डलहौजी की दूरी करीब 107 किलोमीटर है, 5 से 6 हजार रुपए टैक्सी में लगेंगे और आप डलहौजी पहुंच जाएंगे। बट अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है, पठानकोट से 81 किलोमीटर की दूरी जो आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। टैक्सी वाले 3 से 4 हजार चार्ज करेंगे, लेकिन आप बस के थ्रू भी पठानकोट से डलहौजी पहुंच सकते हैं। वोल्वो एसी सेमी स्लीपर में करीब 1,088 रुपए का टिकट बनता है। सुबह 6:20 पर बस है जो आपको 8:50 से 9 बजे तक ड्रॉप कर देगी डलहौजी, 2.5 घंटे का सफर है। एक और वोल्वो बस है जिसमें करीब 1300-1400 के आसपास का टिकट बनता है, सुबह 6:30 बजे चलती है, 2.5 घंटे का समय लगता है और 9 बजे के आसपास वो भी आपको डलहौजी ड्रॉप करेगी। बट अगर आप पूरा टूर बाय रोड करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस हैं, आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, अपनी बाइक लेकर आ सकते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट HRTC की रोडवेज बस मिल जाएगी, लेकिन वो रोडवेज बस भी एसी वोल्वो बस है जिसमें करीब 1450 रुपए का टिकट बनता है, रात को 8:30 बजे चलती है, सुबह 9:30 बजे आपको डलहौजी ड्रॉप करेगी, 13-13.5 घंटे का सफर रहता है। एक बस और है जो रात को 9:30 बजे चलती है, जो सुबह 11 बजे के आसपास डलहौजी आपको ड्रॉप करेगी, उसमें भी करीब 1450 का टिकट है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वोल्वो बस भी है जो दिल्ली से डलहौजी तक डायरेक्ट चलती है। दिल्ली से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और वहाँ से किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना ज्यादा इजी रहता है और ऑप्शंस भी ज्यादा मिल जाते हैं। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप दिल्ली आइए और दिल्ली से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डलहौजी पहुँचने तक के। आप चाहें तो चंडीगढ़ आ सकते हैं, चंडीगढ़ से भी आपको बसेस मिल जाएंगी। बट अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पठानकोट आइए। पठानकोट रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से वेल कनेक्टेड है, उसके बाद आप बस या टैक्सी हायर कर सकते हैं। ये तो बातें हुई डलहौजी पहुँचने तक की। अब डलहौजी पहुंचने के बाद सबसे पहले माइंड में आता है कि होटल्स कहां लेने चाहिए, और उससे पहले माइंड में आता है कि कितने दिन का टूर प्लान बनाया जाए। डलहौजी घूमने के लिए नियर बाय प्लेसेस अगर आप कवर करना चाहते हैं डलहौजी के, तो 2 रात का स्टे भी काफी रह सकता है, लेकिन स्टे करना कहां है चलिए वो डिस्कस करते हैं। डलहौजी में स्टे करने के लिए 2 जगह मेन है, या तो आप सुभाष चौक के आसपास रुक जाइए या फिर आप गांधी चौक के आसपास रुक जाइए। दोनों जगह रुकने के अपने अपने अलग फायदे हैं, मैं दोनों जगहों को इंक्लूड करके आपको बताऊंगा कि आप कहीं भी रुकिए लेकिन आप कैसे डलहौजी को बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में और बहुत अच्छी तरह से घूम सकते हैं। जब हम बाय रोड डलहौजी में एंट्री करते हैं तो एक रास्ता सुभाष चौक की ओर डाइवर्ट होता है और एक रास्ता सीधा जाता है जो गांधी चौक जाता है। अब आपकी चॉइस है, आप गांधी चौक की तरफ जा सकते हैं, आप चाहे तो सुभाष चौक की तरफ आ सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं सुभाष चौक पर रुका था, वहां से फिर मैंने पूरा डलहौजी कवर किया था। हम तो आगे तक गए थे, सचपास भी गए थे, वो भी डिटेल आपको मैं दूंगा। वैसे सुभाष चौक और गांधी चौक के जो बीच की दूरी है करीब 1.5 किलोमीटर है, जिसके मोटरेबल रोड बना हुआ है। बट एक दूसरा रास्ता भी है 950 मीटर का, जिसमें आप बाय वॉक जा सकते हैं। अगर आपने सुभाष चौक पर होटल ले लिया तो बाय वॉक गांधी चौक तक
घूमते घूमते जा सकते हैं। कैसे जाना है सारी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। सुभाष चौक पर भी आसपास में बहुत सारे होटल हैं और गांधी चौक पर भी बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन गांधी चौक पर अगर हम रुकते हैं तो वहाँ पर मार्केट बना हुआ है, तो शाम को घूमना काफी ईजी हो जाता है। लेकिन सुभाष चौक की साइड में इस तरह का मार्केट नहीं है, लेकिन सुभाष चौक से हम डलहौजी वैली का बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाते हैं जो हम गांधी चौक से नहीं देख पाते हैं। तो दोनों ही जगहों के अपने अलग अलग फायदे हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। होटल का चुनाव करते वक्त हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप चाहे सुभाष चौक रुक जाइए, आप चाहे गांधी चौक रुक जाइए, क्योंकि मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपको आखिर घूमना कैसे है। इसके अलावा आप डलहौजी रोड पर भी ले सकते हैं, जिस रोड से हम डलहौजी में एंट्री करते हैं उस रोड पर भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ भी ले सकते हैं रूम। डलहौजी खजियार रोड पर जाकर भी होटल लिए जा सकते हैं, या फिर पठानकोट रोड पर भी होटल लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट शायद गांधी चौक रहेगा, बस एक मार्केट की वजह से, लेकिन मैंने खुद सुभाष चौक के पास होटल में स्टे किया था। होटल के टैरिफ की बात करूँ तो 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, करीब 10-12 हजार तक के रूम आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी है, जो भी बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट भी होटल्स मिल जाते हैं, काफी होटल्स हैं डलहौजी में, ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन ही बुक करके आना पड़ेगा। होटल्स, रिसॉर्ट्स, होमस्टे, कैंप सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। कैंप की बात करें तो पंचकुला के आसपास कुछ कैंप साइट्स हैं, वहाँ रुक सकते हैं 2000 से 2100 रुपए। वो 3 पर्सन का चार्ज करते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहता है। ये बातें हुई स्टे करने से रिलेटेड, बात आती है कि घूमने कहाँ कहाँ जाए और सही तरीका क्या है डलहौजी को घूमने का। देखिए, अगर आप सुभाष चौक पर रुके हुए हैं तो वहाँ से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी वैली का बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है जो गांधी चौक पर हम नहीं देख पाते हैं। चर्च भी है सुभाष चौक पर जिसे आप देखने जा सकते हैं, सुभाष बावली है जिसे आप देखने जा सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स हैं सुभाष चौक के आसपास भी जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। मैं सुभाष चौक के पास रुका था तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और शायद यही एक बेस्ट तरीका भी रह सकता है आपको टूर के बारे में समझने का। इवनिंग में सुभाष चौक से आप गांधी चौक बाय वॉक जा सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 950 मीटर का ट्रैक है, पैदल रास्ता है। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर के आसपास एक अलग रोड है। डलहौजी का जो सुभाष चौक है वहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ ना 4-5 अलग अलग रोड है। एक तो वो रोड जिससे हमने डलहौजी में एंट्री करी, दूसरा डलहौजी खजियार रोड, और तीसरा है ठंडी सड़क जो एक मोटरेबल रोड है जो गांधी चौक तक जाता है, एक है गर्म सड़क और एक है कोर्ट रोड। गर्म सड़क की बात कर, गर्म सड़क वो सड़क है जो सुभाष चौक को गांधी चौक से कनेक्ट करती है बाय वॉक। जी हाँ, बाय वॉक से मेरा मतलब है कि एक अलग रास्ता है जिस पर गाड़ियां अलाउ नहीं है, अब पैदल ही 950 मीटर चल के गांधी चौक तक पहुंच सकते हैं। अगर आप गांधी चौक रुके हैं तो इसी रास्ते से सुभाष चौक पैदल घूमते हुए आ सकते हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, रास्ते में साइड में दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है, कुछ जगहों पर बैठने की जगह दी गई है, व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, रास्ता बहुत सुंदर है। पैदल लोग टहलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में। सुभाष चौक और गांधी चौक के बीच में बनी ये गर्म सड़क, गर्म सड़क इसको नाम क्यों दिया गया मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हमेशा लो बना रहता है, बहुत ठंडा ठंडा वेदर लगता है। गर्मियों में भी अगर आप आएंगे इवनिंग में घूमेंगे तो आपको बहुत प्लेजेंट वेदर यहाँ फील होगा। यही रोड गांधी चौक पर एग्जैक्ट पहुंचने से पहले माल रोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम गांधी चौक पहुंचने वाले होते हैं तो उससे कुछ पहले ही माल रोड की दुकानें शुरू हो जाती हैं। छोटा सा माल रोड है, बहुत नैरो रोड है, दोनों साइड में दुकान है, कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड के लिए बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं, टॉयज की दुकानें हैं, आइसक्रीम पार्लर है, बहुत कुछ है इस छोटे से माल रोड पर। सुभाष चौक और गांधी चौक के बीच में बने इस गर्म सड़क पर टहलने का अलग ही मजा रहता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा डलहौजी घूमने का। बट अगर आप सुभाष चौक से गांधी चौक के लिए कार लेकर आते हैं तो इसमें आपके लिए दो इश्यू हैं। एक तो कार में ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ सकता है, दूसरा जो आप बाय वॉक एंजॉय करेंगे वो कार में नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात आप कार को पार्किंग में लगाना पड़ेगा जो ठंडी सड़क पर बनी हुई है। उसके बाद गांधी चौक पर आप घूम सकते हैं। गांधी चौक माल रोड पर घूमने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहता है। गांधी चौक पर सामने एक खूबसूरत चर्च बना हुआ है, आप वहां भी जा सकते हैं। चर्च बहुत खूबसूरत है, जनरली जितने भी टूरिस्ट गांधी चौक पर आते हैं घूमने के लिए वो चर्च में एक बार जरूर जाते हैं।
बहुत खूबसूरत चर्च है। गांधी चौक पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो थोड़े बहुत दूर घुमाकर लाते हैं। बेसिकली बच्चे इसको करते हैं या फिर फोटोग्राफी के लिए आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। डलहौजी की फेमस लाइब्रेरी भी गांधी चौक पर ही मौजूद है। इसको गांधी चौक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि चौराहे के मिडिल में ही गांधी जी की एक बड़ी सी स्टैचू भी यहाँ बनी हुई है। यही इस चौक की पहचान है। और सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू बनी हुई है, तो आपको पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा कि आप सुभाष चौक पर है या गांधी चौक पर। यहाँ एक इंडो तिब्बतन मार्केट भी है, बहुत छोटा सा मार्केट है, कोई बहुत ज्यादा दुकानें नहीं है, चुनिंदा वहाँ दुकानें हैं इंडो तिब्बतन मार्केट में, आप उसको भी देखने जा सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए गांधी चौक पर काफी सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के लिए, इसके साथ साथ खाने पीने के लिए भी बहुत से ऑप्शंस यहाँ बने हुए हैं। अगर आपका होटल गांधी चौक की साइड में है तो आप यहाँ से बाईवॉक मॉल रोड के थ्रू सुभाष चौक तक जा सकते हैं। अगर आप सुभाष चौक पर है तो गर्म सड़क से होते हुए मॉल रोड के थ्रू गांधी चौक तक आ सकते हैं। फूड की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए गांधी चौक और सुभाष चौक पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सुभाष चौक के कंपैरिजन में गांधी चौक पर ज्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट और कैफे बने हुए हैं। डलहौजी कैफे भी गांधी चौक पर ही मौजूद है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना यहाँ आसानी से मिल जाता है। लेकिन डलहौजी में मैंने जो एक बात नोटिस की वो ये है कि मॉल रोड पर जो स्ट्रीट फूड मिलता है उस पर ज्यादा भीड़ है रेस्टोरेंट या कैफे के कंपैरिजन में। स्ट्रीट फूड यहाँ बहुत लोग खाते हैं, स्ट्रीट फूड यहाँ पर बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो डे वन में इवनिंग में आप ये सारे साइट्स को कवर कर सकते हैं, आपका दिन बहुत शानदार बीतेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट टूर की तैयारी करिए। डलहौजी से आप पंचपुला देखने जा सकते हैं, दूरी करीब 3-3.5 किलोमीटर के आसपास रहती है। अगर आप सुभाष चौक की साइड में है तो ठंडी सड़क से गांधी चौक बाय कार टैक्सी आप आ सकते हैं। अगर आप गांधी चौक पर ही हैं तो गांधी चौक से दो रोड डाइवर्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट वाला रोड खजिहार की तरफ जाता है, राइट वाला रोड पंचपुला की तरफ जाता है। दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है गांधी चौक से। पंचपुला बहुत खूबसूरत जगह है, पाइन और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। आसपास में कुछ दुकानें बनी हुई हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं और एक छोटी सी कार पार्किंग है। अगर आप गाड़ी लेकर आए हैं तो आप गाड़ी को वहां पर पार्किंग में लगा सकते हैं, बट अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है तो गांधी चौक या सुभाष चौक पर बनी टैक्सी ऑपरेटर के थ्रू आप टूर बुक कर सकते हैं पंचकूला का, जो आपको पंचकूला ले जाएंगे, वहाँ वेट करेंगे, कुछ देर बाद आपको वापस डलहौजी ड्रॉप कर देंगे। 1000 रुपए के आसपास टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। आप चाहे तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जा सकते हैं, रोड बहुत अच्छी कंडीशन में है। पंचकूला में बेसिकली एक खूबसूरत वाटरफॉल है, उसे देखने के लिए लोग जाते हैं और वो वाटरफॉल मेन रोड से थोड़ा सा ऊंचाई पर है। कुछ सीढ़ी नुमा रास्ते बने हुए हैं, उस रास्ते से होते हुए एग्जैक्ट वाटरफॉल पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस सीढ़ी नुमा रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे कैफे बने हुए हैं, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो यहाँ जिप लाइन कर सकते हैं, बर्मा ब्रिज एंजॉय कर सकते हैं। 300 से 500 रुपए अलग अलग चार्ज है डिस्टेंस और दूरी के अकॉर्डिंग। बर्मा ब्रिज से जाना होता है और रिटर्न में जिप लाइन से वापस आते हैं। 300 रुपए का भी यहाँ पर पैकेज है और 500 रुपए वाला भी पैकेज यहाँ पर बना हुआ है। पूरे रास्ते में कैफे, मैगी पॉइंट, टी पॉइंट लगातार देखने के लिए मिलते हैं। जब एंड पॉइंट पर जाते हैं तो वहां पर एक शिवा कैफे है, तो वहीं से पंचकूला के मेन वाटरफॉल का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी पंचकूला एक अच्छी जगह है। यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है जो सरदार भगत सिंह के अंकल सरदार अजीत सिंह की याद में बनाई गई है और पंचकूला सरदार भगत सिंह की यादों से भी जुड़ा हुआ है। रोड के एक साइड में मुस्कान एम्यूजमेंट पार्क भी बना हुआ है जो बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे झूले हैं जहां बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, बबल शूटिंग और कुछ दूसरी छोटे छोटे एडवेंचर एक्टिविटी यहां पर की जा सकती है। इसके अलावा बर्मा ब्रिज और जिप लाइन के ऑप्शन एम्यूजमेंट पार्क में भी बने हुए हैं। एक दो फूड पॉइंट भी पार्क में मौजूद है। पंचकूला में एक कैंप साइट भी है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप कैंपिंग करनी है तो पंचकूला आकर कर सकते हैं। पंचकूला से बहुत से ट्रैक भी किए जाते हैं, उनमें से एक है गंजी पहाड़ी के लिए, आप पंचकूला से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा डलहौजी में जो घूमने वाली जगह है और जो सबसे ज्यादा खास है वो है खजिहार। डलहौजी से खजिहार की दूरी करीब 22 किलोमीटर है, जिसे आप नेक्स्ट डे करिएगा और मेरा मानना है कि
पूरा एक दिन खजियार के लिए रखिए, तब बहुत आप इंजॉय करेंगे। 22 किलोमीटर का सफर है, 1 घंटा लगता है अपनी गाड़ी से। आप चाहे तो डलहौजी से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, 2.5 से 3 हजार रुपए चार्ज करेंगे और आपको खजियार घुमाकर वापस ले आएंगे। सीजन के अकॉर्डिंग ये रेट चेंज भी होता रहता है, बढ़ता भी रहता है और घट भी जाता है, और सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप डलहौजी से खजियार बाय बस आना चाहते हैं तो डलहौजी से जो बस चंबा के लिए चलती है उस बस से आ सकते हैं। HRTC की रोडवेज बसेस है, सुबह 9 बजे पहली बस है, उससे आ जाइए। टिकट करीब 50 या 60 रुपए रहता, खजियार उतर जाइए और वापस जाते वक्त भी यही बस आपको मिलेंगी जो चंबा से डलहौजी जा रही है। तो ये एक बहुत सस्ता तरीका है खजियार पहुंचने तक का। आप अपनी कार या बाइक भी लेकर जा सकते हैं, चाहे तो बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जब आप डलहौजी से खजियार की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। खजियार बेसिकली काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है। तो जब मेन सेंचुरी में हम लोग एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। एक कार के लिए 50 रुपये पे करना पड़ता है। इसमें दो चीजें इंक्लूड है, एक तो वाइल्ड लाइफ का एंट्री टिकट हो गया, दूसरा खजियार में जब गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे तो पार्किंग फीस भी उसी में इंक्लूड रहती है। वैसे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में एक पैकेज है, आप चाहे तो एक दिन पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए निकाल सकते हैं, बट अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे खजियार निकल जाइए। बहुत खूबसूरत जगह है खजियार। अगर आप पहले कभी खजियार आए हैं, डलहौजी घूम चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से जन्नत है खजियार, जी हाँ। और जो डलहौजी से खजियार पहुंचने वाला जो रास्ता है वो भारत के खूबसूरत रास्तों में से एक है। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है 22 किलोमीटर का। 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब हम खजियार में एंट्री करते हैं तो वहाँ जो खूबसूरत और लाजवाब नज़ारा देखने के लिए मिलता है ना, उसके बारे में मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप रियल में वहाँ आएंगे तो आप खुद देखेंगे। खजियार में बहुत बड़ा खुला मैदान जैसा देखने के लिए मिलता है, जहाँ चारों तरफ पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। बीच में एक छोटी सी लेक बनी हुई है। लोग दूर दूर इधर उधर घूमते रहते हैं और पूरे ही उस बुग्याल कह लीजिए उसको, बुग्याल मतलब जो पहाड़ों पर हरा हरा घास का मैदान होता है उसे बुग्याल बोलते हैं। यहाँ हिमाचल में उसे क्या बोलते हैं मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन उत्तराखंड में उसको बुग्याल बोलते हैं। अगर आपके हिसाब से कोई और शब्द है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस पूरे बुग्याल में जगह जगह छोटे छोटे फूड पॉइंट भी लोगों ने बनाए हुए हैं, घूमने लायक जगह है पूरा। अगर एक वॉक अराउंड करें आप तो आधा घंटे से ज़्यादा आपको लग जाएगा। खजियार आने के बाद विजिटिंग साइट्स की अगर मैं बात करूं कि आप खजियार में कहां कहां जा सकते हैं तो वो मैं बता देता हूं। यहां पर एक हनुमान स्टैचू है जो 25 फीट ऊंचा है, वो देखने जा सकते हैं। खाजी नाग टेम्पल देखने आप जा सकते हैं। लॉर्ड शिवा स्टैचू आप देखने जा सकते हैं जो चंबा रोड पर खजियार से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। खजियार में ट्रैकिंग के लिए आप इधर उधर निकल सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। एडवेंचर एक्टिविटी भी खजियार में की जा सकती है, जिसमें से एक है पैराग्लाइडिंग, दूसरा है जॉर्बिंग। ये जो बॉल आप देख रहे हैं ना, इसको जॉर्बिंग बोलते हैं। इसमें 3 या 4 लोगों को एक साथ अंदर भेज दिया जाता है और उसको लुढ़का दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहती हैं। ये जो मैंने कुछ आपको साइट्स बताई हैं खजियार में विजिट करने की, इनको आप हॉर्स राइडिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। 7 या 8 पॉइंट हॉर्स राइडिंग के थ्रू वो कवर कराते हैं, जिसमें से एक हॉर्स का वो 1500 रुपये चार्ज करते हैं, यानी एक बंदे का 1500 रुपये लगेगा और आपको खजियार की 7-8 अलग अलग पॉइंट्स वो घुमाकर ले आएंगे घोड़े से। खजियार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपके 2-3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक फुल डे आप लेकर आइए, क्योंकि 1-1.5 घंटा आपको आने में लगेगा, 1-1.5 घंटा वापस जाने में भी लगेगा, यानी 2-2.5 या 3 घंटे तो आने जाने के हो गए, प्लस 2-3 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे जितना आप समय दे सकें उतना दीजिए, क्योंकि यहाँ का वेदर भी डलहौजी के कंपैरिजन में कुछ डिग्री लो ही रहता है। माहौल अच्छा है, दूर दूर तक आप घूम सकते हैं। बच्चे आपके साथ हैं तो उनको घूमने दें, माहौल को एंजॉय कीजिए, बहुत अल्टीमेट जगह है। सेल्फी क्लिक करने के लिए बेस्ट पॉइंट है खजियार, फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं, वीडियो शूटिंग के लिए भी एक बहुत खूबसूरत प्लेस है। हमने यहाँ देखा है कि बहुत लोग रील बनाते हैं, अगर आप आएंगे खजियार में आप देखेंगे बहुत लोग रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, क्योंकि ये जगह ही बहुत खूबसूरत है। खजियार से करीब 4.5 किलोमीटर दूर चंबा रोड पर मड़ी महेश कैलाश दर्शन के लिए एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जो खजियार से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है चंबा रोड पर। आप चाहें तो उसे भी देखने के लिए जा सकते हैं, वहां से आप
मणिमहेश कैलाश पर्वत सीधे सीधे देख पाएंगे। डिपेंड वेदर पर करेगा, अगर वेदर क्लियर है तो आप बहुत क्लियर व्यू देख पाएंगे। इसके अलावा खजियार से सचपास के लिए भी जाया जा सकता है। दूरी करीब 140 किलोमीटर है, जहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है, लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। सचपास अपने आप में एक बहुत बड़ा टूर है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सचपास की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कैसे जाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां वहां बरतनी चाहिए, तो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सचपास की। लेकिन बिना सोचे समझे सचपास मत जाइएगा, नॉट रिकमेंडेबल, मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर आप डलहौजी टूर कर रहे हैं तो सिर्फ डलहौजी कर लीजिए, सचपास के लिए एक अलग टूर प्लान करके आइएगा, बहुत सोच समझ कर। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सचपास की, उसे देखिएगा, उसके बाद ही आप सचपास टूर के लिए निकलिएगा। इसके अलावा डलहौजी में जो दूसरी साइड से जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं वो है रॉक गार्डन, सुभाष बावली, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दानीकुंड पीक देखने के लिए आप जा सकते हैं। चंबा की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो चमीरा लेक आप देखने के लिए जा सकते हैं। अगर चंबा पहुंचते हैं तो वहाँ रावी नदी में रिवर राफ्टिंग आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉइंट्स भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्टे के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको सिर्फ डलहौजी कवर करना है, वहाँ की लोकल साइट्स को विजिट करना है और खजियार कवर करना है, तो 2 रात का स्टे डलहौजी में काफी रहेगा। बट अगर आपकी लिस्ट में चंबा भी है और सचपास भी है तो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ बजट भी। मोबाइल नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करता है डलहौजी में भी और खजियार में भी। बट अगर आप सचपास की तरफ जाते हैं तो नेटवर्क इशू 100% होगा। रास्ते में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो पूरी तरह से रिमोट एरिया है, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। जियो कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है, तो सचपास के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसे देखिएगा। स्नोफॉल की बात करते हैं तो खजियार में दिसंबर के हाफ से फेब तक काफी ठीक ठाक बर्फबारी हो जाती है। स्नो एक्टिविटी भी उस वक्त वहाँ एक्टिवेट हो जाती है, जैसे स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग, ऐसी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी स्नो में यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। डलहौजी के टेम्परेचर की बात करूँ तो दिसंबर, जनवरी या फेब में टेम्परेचर -4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, मिनिमम -4 या कभी कभी उससे भी ज्यादा लो हो जाता है और दिन भी पूरे ठंडे रहते हैं। अप्रैल से जून के बीच के में करीब 5 से लेकर 25 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर, यानी गर्मियों में भी यहाँ प्लेजेंट वेदर बना रहता है। दोपहरी में थोड़ी गर्मी हो जाती है लेकिन शाम को वापस से बहुत प्लेजेंट वेदर हो जाता है। जुलाई अगस्त रेनी सीजन है तो रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि टूर खराब हो सकता है बारिश की वजह से। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, ये बहुत बेस्ट समय है डलहौजी टूर के लिए। अगर आप सोच रहे हैं ना तो सोचिए मत, जल्दी से प्लान बना लीजिए और घूमने निकल जाइए। पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया, कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है और कैसे कैसे सब कुछ घूमना है, और यहां तक कि टैक्सी रेट लिस्ट, बस रेट लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। बजट की बात करते हैं तो बजट टोटली आपके डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, 2 रात का आपको स्टे करना है डलहौजी में, तो 7-8 हजार में आप बहुत आसानी से सोलो इस टूर को कर लेंगे। बट अगर आप 2 लोग हैं तो थोड़ा और सस्ता हो जाता है, और अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है या एक पूरी फैमिली है तो पैकेज में टूर काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है पर पर्सन। ये सारी बातें हुई डलहौजी टूर से रिलेटेड। अब कोई सवाल डलहौजी का अगर आपके माइंड में चल रहा है तो अभी की अभी कमेंट कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई सवाल नहीं है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें थोड़ा बहुत अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।